फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको हर एक की, जो अंडरलाइन वाले हैं। तो अंडरलाइन वाले के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें निकालना पी का, तो जो सोडियम है इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, तो इसमें सबको प्लस करना पड़ेगा वहां हाँ पे, ठीक नहीं इंडिविजुअल में कितना होगा, सब प्लस सोडियम वन, है ग्रुप फर्स्ट का प्लस सब प्लस वन, वन हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन का प्लस सब प्लस वन, वन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का प्लस माइनस टू। हाँ माइनस टू। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 + 2 × 1 प्लस एक्स, इसको एक्स एज्यूम कर लो, +4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओके सर, ठीक। तो हो जाएगा 2 × 2 + 1 = 3 प्लस एक्स, और 4 × 2 = 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। सो फाइव एक्स है, सो माइनस इज इक्वल फाइव टू इज इक्वल फाइव। टू 0, हाँ तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी Na+1 है और H+1 है और ऑक्सीजन तो है, इसमें सिक्स है, हाँ 6 सही है। ऐसे थर्ड वाला है, थर्ड वाले में भी क्या है, P का निकालना है, तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन माइनस टू फाइव निकल जाएगा। हाँ इसका आंसर है फाइव। S2P2O7, हाँ 5 है। अब है K2MnO4, K2MnO4, K का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का -2, तो Mn कितना आएगा। जनरली जो डी ब्लॉक के होते हैं वही वेरी करते हैं, सिक्स हाँ 6 आ जाएगा। ऐसी CaO2, अब देखो CA का फिक्स है, O2 का फिक्स नहीं है, CA का होता है +2, तो ऑक्सीजन कितना होगा इसमें, सो माइनस टू, नहीं इसे निकालना पड़ेगा ना आपको, सी ओके प्लस सर, टू है तो CaO2, तो CA कितना होगा, एक्स वो 2x प्लस 2 = 0, उससे इसको इसमें हाँ ओ वन हो टू जाएगा, माइनस जीरो कितना हो जाएगा, माइनस वन। हाँ -1, ये परोक्साइड है। इसके बाद नेक्स्ट है ये NaBH4, इसमें कितना होगा, सब माइनस फाइव, इसमें है Na का है +1, Na है +1, और यहाँ पे हाइड्रोजन है -1, क्योंकि मेटल के साथ आ गया तो हाइड्रोजन नेगेटिव शो करेगा, सर 3 हो जाएगा फिर। हाँ इसमें +3। और लास्ट है H2S2O7, तो हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का -2, तो कितना आएगा आंसर, सब प्लस का सिक्स +6, हाँ सिक्स ठीक है। अब एक और है इसमें वो मिस हो गया, वो था KAlSO4 का होल ट्वाइस .2H2, इसका इसमें निकालना हमें S का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, K होता है +1, Al होता है +3, ऑक्सीजन होता है -2, और हाइड्रोजन होता है +1। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है सबकी, लेकिन ये ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के, तो कैसे निकाल लोगे इसका, यस सर, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट।
जैसे ये है आपके पास के के और I3, जो I3 है कैसे बनता है? I3 बनेगा, एक है I, सिंगल बॉन्ड I, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो जो सेम लगे हैं ये 0 0, और जो ये जिसने डोनेशन किया है -1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मतलब ये, ठीक है? तो जो ये बॉन्ड है ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इसमें पहले आई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी आई की, और के होता है +1, तो आई कितना होगा? सो -1। हाँ नहीं, -1, देखो यहां से इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो +1 + 3x = 0, तो x = -1/3, यानी 1/3 आ गया, ठीक है? तो इसका आंसर ये 1/3 कैसे आया? उसका आंसर ये आया, देखो एक आई 0 है, दूसरा भी 0 है, और तीसरा -1 है, तो तीनों का एवरेज कितना आएगा? एवरेज के लिए 1 -1 ओवरऑल चार्ज है, 3 एटम, तो ये हो गया -1/3, ठीक है? ओके इसमें I2 का 0 है, केवल इसकी वजह से माइनस आ रहा है, और एवरेज निकालेंगे तीनों का तो क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक? तो कह रहा है जस्टिफाई करो अपने आंसर को, तो इसी वजह से, क्योंकि हाफ में होता नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा है HT H2SO S4O6, H2S4O6, इसमें ध्यान रखना सारे सल्फर ऐसे लगे हुए 1 2 3 एंड 4। अब इसमें टोटल 6 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड 4 ही चले गए, 5 6 ये हो गया, और इसके बाहर लग गए हाइड्रोजन। अब इसमें मैंने आपको बताया नहीं, इसमें चीज का ध्यान रखना कि जब भी दो सेम वाले कनेक्ट होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है, जैसे ये बीच वाला सल्फर है, ये दोनों सेम से अटैच है तो इसका 0 0 होगा, ठीक है? और ये जितने बॉन्ड बना रहा है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो इसका हो जाएगा +5, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, तो इसका भी हो जाएगा +5, ठीक है? अब वैसे निकालेंगे कितना आएगा इसका, वैसे अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन होता है -2, तो कितना आएगा इसका? तो 10/4। हाँ 10/4 यानी 2.5, तो सल्फर हो गया 2.5। तो कह रहा है 2.5 कैसे आया, तो आपने बताना है कि ये जो एस है जो आपस में कनेक्ट है इसका 0 होगा, ठीक है? अब ये +5 क्योंकि 5 से कनेक्ट है, ये भी 5 से, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 10 हो गया, और कितने एटम है ये, 4 है, 1s 2s 3s 4s, तो क्या होगा, 1s के लिए एवरेज 10/4 यानी 2.5 या 2.5। तो ये कह रहा है कि अपने आंसर को इसे जस्टिफाई भी करो, ठीक है? तो ये होल नंबर में नहीं आ रहा बल्कि पॉइंट में आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि हर एक का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यस सर। अब Fe का बताओ इसमें कितना होगा, Fe2O3 का, Fe3O4, इसमें Fe का कितना होगा? सर 8/3। हाँ 8/3, तो Fe का 8/3 है,
लेकिन किसी का भी फ्रैक्शनल में तो आता नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये मिक्सचर हो गया, ये मिक्स ऑक्साइड ऑक्साइड है। ये किससे मिलके बना है, FeO एंड Fe2O3। तो यहाँ पे एक में Fe का है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्या है कि फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो फ्रैक्शन में आने का मतलब ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, इसका FeO एंड Fe2O3 का। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 2+1 3, तो Fe3 हो गया। ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो 3+1 4 हो गया। तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए वो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक, यस अब नेक्स्ट है देखो। अब इसका बताना है, पहले सी का निकालो, इसमें सी का निकाल लो कितना आएगा। सर 4/2 कैन इट टू? हाँ, टू आ रहा है ना, यस सर। तो टू आने का मतलब ये हुआ, ये है सी एच 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 सी एच एच एंड ओ एच। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2। हाइड्रोजन है +1 और ऑक्सीजन -2, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, और ऑक्सीजन हो गया -2 यानी 4/2, यानी दोनों के 2 2 होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल तो 0 होना चाहिए, तो एक का +2 होगा और दूसरे का -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक का +2 और दूसरे का -2। यार ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ओवरऑल किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। टू एक्स, और हाइड्रोजन क्या होता है, सर एच प्लस के में है। 5 हो गए, जिससे +6 और -2, तो सर माइनस में आ रहे हैं, हाँ माइनस में आएगा ना, माइनस एक्स इज फोर इक्वल टू -4। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों माइनस माइनस में होंगे। ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट है इसमें Fe2H2O2, C2H4O2, सॉरी C2H4O2। यह अच्छा ये लिखा है, ये CH3 CH सर H जीरो आ रहा है इसका C आंसर। डबल बॉन्ड O O H। ठीक है, इसमें 0 आ रहा है। यस सर। 0 आने का मतलब क्या हुआ, सब सबका कि चार्ज हाँ जो जीरो है, बॉन्ड कार्बन है दोनों का सम 0 होगा। यस सर। तो ठीक है, तो इसका सर मतलब एक क्या एक हुआ, +1 होगा, एक -1 होगा। नहीं इसमें है एक +2 दूसरा, -2 हाँ एक प्लस और दूसरा माइनस। -2 अब नेक्स्ट है, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी हर एक की। ठीक है, सर ए ऑक्सीडेशन स्टेट से रिडॉक्स ही होगा, रिएक्शन है। नहीं हर एक रिएक्शन ही रिडॉक्स होती है, लेकिन उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है, इसको पता करना है।
सी यू ओ प्लस एच टू गिव्स सी यू प्लस, तो सी यू का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है सर, और एच टू का ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? जीरो। फ्री स्टेट में इसका भी जीरो, इसका हो जाता है प्लस टू, इसका माइनस टू। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, इसलिए रिडक्शन। ये एच टू है और यहाँ पे एच प्लस हो जाएगा एच टू ओ, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेकेंड है एफ ई टू, एफ ई टू ओ थ्री प्लस सी ओ गिव्स एफ ई प्लस सी ओ टू। अब इसमें कौन सा क्या होगा, एफ ई का क्या होगा सर? रिडक्शन। हाँ, तो माइनस थ्री सॉरी प्लस थ्री है, जीरो में चला गया, तो रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन का है प्लस टू और यहाँ है प्लस फोर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में बी सी एल थ्री प्लस ए एल एल आई ई एल एच फोर गिव्स बी टू एच सिक्स प्लस एल आई सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री। इसमें देखो सर, फर्स्ट वाला रिडक्शन हो रहा है इसमें। इसमें ना एफ ई वाला, नहीं सर, अच्छा ये बी ये सी एल वाला इसमें कितना है प्लस थ्री और इसका प्लस थ्री माइनस थ्री, इसमें प्लस वन, और एल्यूमिनियम का कितना होगा प्लस थ्री, एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम थ्री हो होता है, जाएगा तो ये माइनस हो सर, थ्री जाएगा। प्लस थ्री हो जाएगा। हाँ, यस सर। ये टोटल माइनस फोर हो जाता है। अब यहाँ पे बी टू एच सिक्स, तो यहाँ पे इसका माइनस होगा, इसका प्लस हो जाएगा। लिथियम है आपका प्लस वन, सी एल माइनस वन, ई एल है प्लस थ्री, ये माइनस वन। अब बताओ सर, फर्स्ट वाले में रिडक्शन हो रहे हैं, इसमें रिडक्शन है, और दूसरा ये सर माइनस फोर, लिथियम को देखेंगे तो सर ये वाला आ नहीं रहा। में हाइड्रोजन देखो ना, हाइड्रोजन क्या यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ क्या प्लस वन है, जो चेंज होगा बस उसी को तो देखना है, बाकी नहीं देखना है। बाकी तो लिथियम यहाँ भी सेम है, यहाँ सेम है, एल्युमिनियम यहाँ भी सेम है, इधर भी सेम है, केवल ये हाइड्राइड है हाइड्रोजन। इसमें माइनस वन एक के लिए, फोर के लिए माइनस फोर, इसमें प्लस प्लस वन, तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा तो यहाँ पे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। यस सर। तो क्या होगा, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और हाँ सर ये वाला लास्ट में जाएगा, सीएल वाला, सीएल वाला एल सी एल के साथ जाएगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। नहीं, इसका इसी के पास आएगा, ये वाला ही आएगा, क्योंकि एल में यहाँ पे माइनस वन, यहाँ प्लस वन, तो मेन चेंज यही कर रहा है, ओके सर, ठीक है। बाकी जो सेम है उसे नहीं देखना है, सीएल में इधर भी माइनस वन उधर भी माइनस वन, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तीन सीएल है ना, एक का तो माइनस वन है, ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट देखो, के प्लस एफ टू गिव्स टू के प्लस एफ, इसमें क्या होगा?
सर F2 रिडक्शन हो रहे हैं। F2 रिडक्शन है यस सर, और एफ K टू से वाला एफ रिडक्शन सर, क्योंकि एफ वहां पे आके जीरो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पे इंटू टू होगा। टू हाँ पहले वाले में के एफ है ना, टू के एफ या के है केवल, सर 2K है, 2K प्लस F2, हाँ गिफ्स, 2K प्लस F। हाँ इसमें मिस्टेक किया इसने कहीं पे। जो फाइनल प्रोडक्ट में है के, वो के एफ है, वो प्लस एफ हो जाएगा, के एफ प्लस एफ। ठीक ओके है, सर, यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि दो एफ है ना ये, तो ये एक यस बनेगा सर, के एफ प्लस एफ। अब टू बताना है। के एफ प्लस एफ। तो हाँ सर यहाँ पे एक मिनट, क्या बोलते हैं, टू के सर, फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन हो